देख सकते हैं कि आज हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम कहीं पे जा रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं वो सरप्राइज है और आपके साथ एक गुड न्यूज भी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे ब्लॉग को एंड तक देखते रहें तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या गुड न्यूज है और कहाँ जा रहे हैं। जब मैं आपको लेके जाऊंगी जहाँ भी मैं जा रही हूँ तो फिर मैं आपके साथ वो गुड न्यूज भी शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या करने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। लेट्स गो। दुआ दुआ किधर जा रही है? इट्स अ सरप्राइज। सही, आज तो दुआ भी पक्की हुई है। आज दुआ भी नहीं बता रही है, वरना नॉर्मली दुआ जो सी है वो सरप्राइज इसको बता देती है। लिस्ट बनाई है दुआ ने? Yes. क्या बात है, क्या क्या लेगी दुआ? ये ट्री है। ट्री लोगी? No, it's a list. दुआ को हमने काफी अच्छी तरह रैप अप किया क्योंकि यहाँ पे सर्दी बड़ी ज्यादा हो गई है एकदम से और हवा बहुत तेज है। और दुआ सिक है, दुआ ऑलरेडी जोन सी है, इसको गला खराब हुआ हुआ है, तो हम जाना भी जरूरी था इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से कवर किया हुआ है ताकि इसको मजीद हवा ना लगे। जी तो डेस्टिनेशन पे हम अपनी पहुंच चुके हैं और ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा देख लेती हूँ। वेलवेट के ऊपर है, डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं। मैं और इब्राहिम ही आए हैं, तो आए हैं हम आज ग्रीन स्ट्रीट पे आए हैं और उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। उसकी रीजन ये है कि आमना और उमैर की शादी जो उनसी है वो फिक्स हो चुकी है और बस इंशाल्लाह बहुत जल्द, अभी डेट प्रॉपर फिक्स नहीं हुई है, दोनों फैमिलीज ने डिसाइड कर लिया है कि कब होगी लेकिन डेट अभी अनाउंस नहीं की है प्रॉपर। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या शॉपिंग कर रहे हैं आमना की शादी के लिए। और मैं इधर ग्रीन स्ट्रीट पे आई हूँ, अभी हालात का कुछ पता नहीं है, लॉकडाउन जो सा सेमी लॉकडाउन है यहाँ पे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश हम पूरी करेंगे कि हम शादी में शिरकत कर सकें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी शॉपिंग तो करके रेडी रहूं, जो भी हालात होंगे वो बाद में देखी जाएगी, पर क्योंकि लास्ट मिनट पे जो शादी की शॉपिंग है वो नहीं हो सकती है इसलिए मैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए आई हूँ। आज मैं जो वलीमे का अपना ड्रेस लूंगी या कुछ भी लूंगी, ज्वेलरी सारी उसके साथ मैचिंग, अगर तो मुझे पसंद आ गई तो। ये देखें ज्वेलरी की शॉप आई है तो दिखा रही हूँ आपको, मैचिंग ज्वेलरी लूंगी मैं और साथ ड्रेस लूंगी या जो भी ट्रेंड में होगा। अब मैं देखती हूँ शॉप्स पे जाके कि क्या चीज ट्रेंड में है, जो ट्रेंड में होगा फिर उस हिसाब से मैं शॉपिंग करूंगी। तो इसलिए ग्रीन स्ट्रीट बेस्ट रहती है एशियन क्लोथिंग की जो शॉपिंग है ना उसके लिए। चलिए आपको भी साथ साथ लेके चलती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ क्या शॉपिंग मैं करती हूँ। ये देखें गोल्ड की शॉपिंग, ये ब्लैक वाला सेट जरा चेक करें, बहुत नाइस, प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से सेट्स हैं, नेकलेसेस हैं। लाइट को पता नहीं क्या हो रहा है, इब्राहिम सिर्फ मेरे साथ आया क्योंकि दुआ को बहुत ज्यादा फ्लू हो रहा है तो उसको मैं नहीं लेके आई हूँ, वो गाड़ी में अपने डैडी के साथ बैठी है। मैंने उनको बोला है कि मैं जल्दी से शॉपिंग करके आती हूँ, एक दो चीजें आज ले लूंगी फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह थोड़ी थोड़ी करके चीजें लेती रहूंगी, तो इसलिए दुआ को मैं नहीं लेके आई हूँ, उसको अच्छी तरह से कवर किया हुआ है और वो अपने डैडी के साथ गाड़ी में ही बैठी हुई है। ये देखे मेहंदी के लिए कितना जबरदस्त लग रहा है लहंगा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं मेहंदी पे लहंगा पहन रही हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह की चीजें बंदा हट के थोड़ा सा पहने ट्राउजर शर्ट से। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या आजकल ट्रेंड में है और कौन से कलर्स ट्रेंड में है, फिर उस हिसाब से मैं अपनी बाकी, आज मैं बेसिकली आई हूँ वलीमे के लिए कुछ लेने के लिए, तो देखती हूँ मुझे क्या मिलता है। ये देखें ये कितनी जबरदस्त, ये लहंगा है, लहंगा चोली है, सारा मिरर वर्क है। आजकल मुझे लगता है मिरर वर्क काफी इन है क्योंकि काफी शॉप्स पे अभी तक मैं देख चुकी हूँ कि मिरर वर्क के बहुत ज्यादा जो उनसे हैं ड्रेसेस पड़े हुए हैं। ये भी बड़ा नाइस कलर लगता है, आजकल ये कलर भी मैंने बड़े लोगों को पहना देखा है, ये है
ग्रीनिश टोन है इसकी। अभी वीडियो में तो ये ग्रे लग रहा है लेकिन ये ग्रीन कलर का है, लाइट ग्रीनिश है ये। और ये मेरा फेवरेट स्टॉल, वापसी पे जरा इधर से समोसे वमोसे खा के जाऊंगी। तो आजकल यहाँ पे क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा अवॉइड किया, हम यहीं भी जाके डाइन इन नहीं कर रहे हैं। तो इनका बड़ा जबरदस्त चिकन बर्गर होता है, ग्रिल्ड चिकन बर्गर, उसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। बड़ी मैंने मेहनत करके रेसिपी उसकी बना ली है, 4-5 दफा ट्राई किया, उसके बाद जो इनका असल टेस्ट है वो मुझे मिल गया, तो वो मैं आपके साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह शेयर करूंगी। फ्रेश सब्जियां ही देखे, एकदम से मौसम यहाँ पे चेंज हो गया, सर्दी हो गई है, तो छोटे बच्चों को फिर सडन जो वेदर चेंज होता है वो जरा एडजस्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बस अब शॉपिंग मॉल में मैं जा रही हूँ, वहां जाके देखती हूँ क्या मिलता है। आहा, ये देखें कैसा कमाल ड्रेस है इसकी, तो वो लुक वीडियो में नहीं नजर आ रही जो रियल में ये लग रहा है। और अच्छा एक चीज मैं नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पे सारे जो ड्रेसेस हैं वो लाइट कलर्स के ही हैं, तो इट मीन्स कि आजकल लाइट कलर्स इन हैं। ये देखिए फेस कवरिंग जरूरी है, मैंने भी ऑलरेडी फेस अपना कवर कर लिया, तो अंदर जाके शॉप में मैं देखती हूँ। लहंगा मुझे बहुत पसंद आया मेहंदी के लिए, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी शर्ट कौन सी है वो बहुत छोटी है और ये सारा मिरर वर्क इस पर हुआ हुआ है, तो ये बेसिकली इन्होंने चोली लहंगा बनाया हुआ है पर हम लोग ये नहीं पहन सकते, काफी रिवीलिंग है, सो दैट्स वाई आई डोंट लाइक इट। बाकी अब मुझे दुआ के कपड़े थोड़े देखने हैं, वो मैं देखती हूँ, ये शॉप है बच्चों के कपड़ों की, तो इधर काफी अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि दुआ के लिए ड्रेस ढूंढूं कोई वेडिंग के लिए ना, तो अभी जाके देखती हूँ इस शॉप में। दूसरी शॉप में आई हूँ मैं, ये देखें ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है ग्रीन और स्किन कलर का, और ये भी बड़ा नाइस लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत हैवी है, तो ब्राइडल ड्रेसेस हैं, तो अभी अंदर जाके देखती हूँ क्योंकि अंदर सब बोल रहे हैं कि फिल्मिंग अलाउड नहीं है, तो अंदर जाके देखती हूँ क्या स्टफ है। ये डार्क कलर्स भी हैं लेकिन ये मुझे कोई इतने अपीलिंग नहीं लग रहे, वैसे भी ये ब्राइडल ड्रेसेस हैं, लेकिन अगर किसी को कोई आइडिया लेना है, कोई डिजाइन लेना है, तो आप इसका ऐसे करके स्क्रीन शॉट ले सकते हो, मैं पीछे से जाके आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये टेल वाला है, ट्रेल बनी हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो अपनी पसंद का इसको डिजाइन बनवा सकते हो, इसलिए मैं आपको ये सारे ड्रेसेस भी दिखा रही हूँ साथ साथ, ताकि आप अगर कोई भी किसी ज्वेलरी के सेट का किसी का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसलिए ये देखो मैं आप सबको क्लोजअप्स दिखा रही हूँ, जो आजकल ट्रेंड में है चीजें वो इसलिए सब इन्होंने रखी हुई है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लो और अपने ज्वेलर को बोलो तो वो आपको इस तरह के डिजाइन बना देंगे। इवन के आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी आप कस्टमाइज ज्वेलरी बनवा सकते हो अपनी पसंद के डिजाइन बता के, सो इसलिए आपको मैं ये सारे डिजाइन दिखा रही हूँ। ये नीचे ब्राइडल सेट्स हैं, ये चीजें तो पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त मिलती हैं, तो कोई मसला नहीं होता है, वहां पे तो बहुत वैरायटी होती है। ये गोल्ड की हैं, गोल्ड के भी ड्रेसेस ब्रेसलेट्स हैं और सेट्स हैं, अपनी पसंद के मुताबिक आप ज्वेलर को दिखा के डिजाइन बनवा सकते हो। कैजुअल वेयर भी है और इसमें ये देखें आप विंटर कलेक्शन आ गई है इनकी साथ, इस दफा शॉल्स हैं साथ विंटर कलेक्शन में, ये देखिए इसके साथ भी शॉल है, इसके साथ भी शॉल है, अंदर जाके चेक करती हूँ। बड़ी अच्छी मुझे चीज लगी है ये, आजकल पोटलियों वाले पर्स चल रहे हैं, सो मेहंदी पे जब आपने लहंगा पहना हो या कोई भी ट्रेडिशनल आउटफिट पहना हो तो उसके साथ ये देखिए ये पोटलियों वाले से ये है पर्स, तो इसका भी आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको अच्छा लगा, और आप
जहाँ से भी अपना लहंगा या कुछ भी आपने बनवाया, आप सिलवा रहे हो तो आप उसको बता सकते हो इस तरह बना के, तो ये इजीली आपके आउटफिट के साथ मैचिंग आपकी ये पोटली सी बन जाती है, पाउच बन जाता है। ये डिजाइन भी है इसमें और ये भी है, इसके अलावा जूलरी है। मैंने ली है साड़ी तो उसके साथ मैं शूज देख रही हूँ, ये मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। शॉपिंग मैंने कर ली है काफी फिरने के बाद, काफी ढूंढने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ये है कि आपको फिरना पड़ता है, आपको चीज ढूंढनी पड़ती है जैसी चीज आप चाह रहे होते हो, तो इसलिए उसके बाद मुझे मिली है जो चीज मुझे चाहिए थी। मैं अभी आपको घर जाके दिखाती हूँ, अब बस जल्दी से घर चलेंगे क्योंकि दुआ थोड़ी तंग हो रही है, उसके डैडी का फोन आया है कि घर चलें, तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन बाकी की शॉपिंग करेंगे। बच्चों के साथ तो ये सब कुछ चलता रहता है, स्पेशली जब बच्चे बीमार हों तो फिर थोड़ा और मसला हो जाता है, तो कोई बात नहीं। आज हमने वैसे काफी देख लिया, आइडिया ले लिया कि क्या वैरायटी है, क्या ट्रेंड है, क्या कलर्स हैं, तो बाकी इंशाल्लाह तैयारी साथ साथ चलती रहेगी, तैयारी करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि हम क्या ले रहे हैं और कैसे तैयारी कर रहे हैं अपनी। शॉपिंग हम कर रहे हैं और घर हम आ चुके हैं। दुआ हमारी आज ठीक नहीं है, आर यू फीलिंग वेल और नॉट? नो, दुआ ठीक नहीं है, इसकी वजह से आज हम जल्दी जल्दी आ गए हैं, इतनी ज्यादा शॉपिंग मैं नहीं कर सकी। तो मैंने एक साड़ी ली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी इसको सिलवाना है तो खाली ऐसे ही मैंने ली है। ये देखे जी कितनी जबरदस्त साड़ी है, इसका जरा क्लोजअप आप चेक करें, ये देखें, ये सारा तिल्ला वर्क, स्टोन वर्क और पर्ल्स का वर्क हुआ हुआ है, नेट की है ये सारी, आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं पहनूंगी इंशाल्लाह वलीमे वाले दिन। ये है इसका पल्लू, ये पट्ठा है, इसके नीचे ये ब्लैक कपड़ा रखती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। ये देखें, ये इसका होगा पल्लू। डू यू लाइक इट? इसको भी मम्मा साड़ी, ये मैंने ली है अपने लिए ब्लैक कलर की। कलर्स तो बहुत ज्यादा थे, चॉइसेस थी, लेकिन मैं कोई डिफरेंट पहनना चाहती थी पीले नीलों से हटके, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये लिया। बड़ी जबरदस्त है, पता नहीं वीडियो में कैसी नजर आ रही है लेकिन देखने में बहुत अच्छी है। बहुत दुकानें मैंने फिरी है और उसके बाद मुझे ये अच्छी लगी है, तो दूसरी भी आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो ये सरप्राइज था लेकिन अब ये सरप्राइज रहा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ली है आमना के लिए एज अ गिफ्ट, अभी तो आमना के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेने हैं। ये है जी आमना की साड़ी, तो आमना ने ये कलर चूज किया है, इसका भी आप क्लोजअप देख लो, डिजाइन बिल्कुल सेम है दोनों का, अगर आप देखो ये देखें डिजाइन सेम है दोनों का लेकिन कलर डिफरेंट है। मैंने ब्लैक कलर दिया है और आमना ने ये कलर चूज किया है, तो उसके लिए फिर मैंने ये वाला बाय कर लिया, तो ये बहुत जबरदस्त है। अभी ये सिलेगी तो फिर इसकी असल लुक पता चलेगी। तो आई यू लाइक इट? यह तो यही अभी शॉपिंग की है, इसके साथ मैं शूज देख रही थी जो मैंने आपको दिखाए हैं। इसके अलावा आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताओ कि आजकल कौन कौन से कलर्स ट्रेंड में है, तो फिर मैं उस हिसाब से शॉपिंग करूंगी। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ, आई होप कि आपको मेरी ये शॉपिंग अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि अब मैंने जो भी शादी की शॉपिंग करनी है वो मैं इस चैनल पे उसकी वीडियो शेयर करूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि लड़के वालों की तरफ से क्या क्या शॉपिंग हो रही है, क्या तैयारियां हो रही हैं, तो मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।